मैं हूँ अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। ये एक दो क्वेश्चन हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का जो बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, 2-3 साल गैप करके ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, वी हैव बीन गिवन टू रेसिस्टर्स सच दैट देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज इज 16 ओम। तो दो रेसिस्टर हम लोगों को दिए गए हैं, तो मान लिया कि लेट द रेसिस्टर्स बी R1 and R2, जिनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 16 ओम। तो सीरीज में है तो RS इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 plus R2, और ये कितना है R1 plus R2 इज इक्वल टू 16। एंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, और उन्हीं दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है R1 into R2 डिवाइडेड बाई R1 plus R2, और ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 3 ओम। तो अब हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं, इनकी मदद से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब इसी को आप बढ़ा के लिख सकते हैं, और R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 की जगह R1 plus R2 का वैल्यू पुट कर दें, 16 इज इक्वल टू 3, और R1 into R2 इज इक्वल टू 48 ओम हो गया, 48 ओम। तो एक वैल्यू ये आया कि दोनों रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेस का प्रोडक्ट 48 ओम, और दोनों का सम है 16 ओम। अब हम लोग देखिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, A-B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A+B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। जान रहे हैं ये फार्मूला, एक्चुअली ये फार्मूला कोई फार्मूला है नहीं, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये फार्मूला निकाला गया है। अपने काम के अनुसार हम फार्मूला में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो ज़रा देख लीजिए कि कैसे मॉडिफिकेशन किया गया है। तो आप देखिए कि A+B का होल स्क्वायर ये होता है A² + 2AB + B² और इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं -4AB। अब क्या बचेगा, ये बचेगा A² और यहाँ देख रहे हैं +2AB और यहाँ है -4AB, तो ये बच गया -2AB और +B², तो यही ना होता है A-B का होल स्क्वायर का सीधा सीधा फॉर्मूला यही होता है, लेकिन इसी का बदला हुआ रूप हम लोग ये वाला यूज करेंगे यहाँ। अब कहेंगे आप कि क्यों ये वाला हम यूज करेंगे, तो ये वाला इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास उपलब्ध है A+B का डेटा उपलब्ध है, R1 plus R2 उपलब्ध है, हमारे पास A into B का डेटा उपलब्ध है, R1 R2 उपलब्ध है। तो ये जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार हमने फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन किया। अब इस फॉर्मूला को चूँकि बिगनिंग आप कर रहे हैं, इसलिए एक एग्जैक्टली इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने काम के अनुसार। सिर्फ पुट करना है A की जगह R1 और B की जगह R2। तो A-B का होल स्क्वायर ये इसको हम लिख सकते हैं R1 - R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A+B का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं R1 + R2 का होल स्क्वायर और -4AB। अब देखिए R1 + R2 का होल स्क्वायर, तो R1 + R2 है 16, तो 16 का स्क्वायर और -4AB, तो 4 AB क्यों,
यहाँ 4 आर वन इंटू आर टू करेंगे तो 4 इंटू आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू है 48, तो ये हो गया 48। अब ये हो गया 256 और माइनस ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। तो अब ये माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस करने पर आएगा 64। तो ये आ गया आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर आ गया 64 और आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट 64। तो ये आ गया 8 ओम। अब देखिए दोनों रेसिस्टर्स का के रेसिस्टेंसेस का डिफरेंस आ गया 8 ओम। जरा इसको हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लें और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लें। देखिए इसको इक्वेशन 1, तो यहीं पर ऐसे करके लिख दें इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस आर टू है और यहाँ माइनस आर टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दो टर्म्स में से एक टर्म जब कैंसिल हो जाएगा तो एकदम सिंपल आ गया। तो ये हम अब करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 16 एंड आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू 8। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बीच का टर्म प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो गया, तो आर वन और आर वन ऐड किए तो 2R1 इज इक्वल टू 16 एंड 8 24। तो 2R1 इज इक्वल टू 24, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 12 ओम। ये आ गया, तो R1 आ गया 12 ओम। अब आप क्या कीजिए कि पुट कीजिए इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, तो जैसे आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल टू 12 ओम इन इक्वेशन 1, वी गेट R1 माने 12 ओम और प्लस R2 इज इक्वल टू आ गया 16 और R2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो एक R2, एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस R2 आ गया 4 ओम और एक आ गया 12 ओम। तो समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कोई कठिनाई हो तो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।